वर्ष भाजपा शासन काल में काफी संघर्ष किया जी, पार्टी में आगे आपकी भूमिका क्या होगी इसकी चर्चा आपके समर्थकों शुभचिंतकों सहित विरोधियों के बीच में भी हो रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वो हमारी भूमिका है तो मैं क्या करूँगा। जैसे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा को लेकर आपकी चर्चा करेंगे। राजनीति में किसी पद के लालसा नहीं करता हूँ, तो मुझे काम दिया जाता है करता हूँ, जब जैसा मिलेगा वैसा काम करूँगा। प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है आपके दृष्टिकोण? लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में बनी है, आवश्यकताएं बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे सरकार सही रास्ते में जनता की उम्मीद अपेक्षाओं में खड़े उतरने की कोशिश कर रही है। क्या प्रदेश में वन मैन वर्चस्व की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है? ये वन मैन की बात कोई कहाँ से आ गई है ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और देश में हर आदमी का कोई ना कोई स्थान है। जैसे व्यापम मामले की जांच होगी या कैसे कांग्रेस सत्ता में आई मगर अभी तक कोई जांच नहीं हुई, शायद आपको मालूम है या नहीं। जांच दो तरह की होती है, एक अंदरूनी तरह से जांच होके और फिर कोई निष्कर्ष पहुंचती है और एक कुल तो किस तरह से हो रही जाँच ये आपको क्या। पूर्व सीएम अभी दिल्ली राजा जी ने कमलनाथ जी को एक आक्रोश भरा पत्र लिखा व्यापारों की जांच न हो। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है और स्वाभाविक है उनकी जो चिंता किसी बिंदु पर रही होगी वो उन्होंने जिक्र किया और उसके बारे में जानकारी। सीएम कमलनाथ जी पूरे मंत्रिमंडल को पुनर्गठन भी करना चाहते थे और वो चाहते थे कि एक गुट के सभी मंत्रियों को हटाकर, ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियों में थी। कुछ खबरें मीडिया अपने ऊपर सुर्खियों में ला देती है और उसी का फिर अपने आप खंडन कराती है, ऐसी खबरों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के लिए सक्षम है और अपनी तैयारी कर रही है और उसके लिए ज़्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं। सीएम साहब ने एक बयान दिया कि मंत्री पार्षद तय करें, ये किस संदर्भ में बयान है थोड़ा उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो टिकट की बात रहती है उसमें अवश्य मंत्रियों का भी सुझाव रहेगा, उस संदर्भ में शायद बात रहेगी।